दोस्तों ये वही ग्रेप वाइन है जिसकी मैंने आपके सामने प्रूनिंग की थी और फिर इस पे फ्लावर्स हुए थे। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेज में आ गई है, अब इससे बेरीज लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आप देख रही हैं जो फ्लावर्स थे, फ्लावर्स में से अब फ्रूट बन गया है। तो ये मैं आपको दिखाए हैं, आप देख सकते हैं कि फ्रूट बनना स्टार्ट हो गया। अभी इनको फुल सन की ज़रूरत है, लेकिन मैंने इसे जहाँ रखा हुआ है यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती। चलें देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने ना इसकी मैं केयर कैसे करता हूँ। अच्छा मैं आज आपको ना कुछ टिप्स देता हूँ। जैसे ही इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो ना, तो ना आपने ना इसके पत्तों पर पानी नहीं फेंकना। ये देखें, ये जो है ना मैंने भूल के ना इसके पत्तों पे, इसके ना फूलों पे पानी फेंक दिया था। तो आप देख रहे हैं कि कुछ फूल ख़राब हो गए हैं इस क्लस्टर के। तो आपने ये बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही इसकी फ्लावरिंग हो रही हो, पॉलिनेशन हो रही हो, तो आपने इस पे ज़रा भी पानी नहीं फेंकना। मैंने इस पे गलती से पानी फेंक दिया था, तो इसीलिए कुछ कुछ फ्लावर्स की ना पॉलिनेशन सही तरह नहीं हो सकी। और जैसे ही फ्लावरिंग हो रही हो, तो आपने इसे पानी देना कम कर देना है। नीचे से पानी नहीं देना, जैसे ही फ्रूट स्टार्ट हो तो फिर पानी देना है। अभी स्टेज में आ गया है कि इसको हम पानी दे सकते हैं। तो इसको मैंने कल काफ़ी सारा पानी दिया है। ये देखिए काफ़ी ऊपर गया हुआ है। ये जो ये वाली ग्रेप वाइन है, ये और ग्रेप वाइन है। ये जो ये है ना, ये पीछे सफ़ेद होती है, ये बहुत हार्ड। चलें आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्राम देख के खुशी हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।